हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबको यूट्यूब चैनल टेक लवर पे। तो जैसे कि हमने अपने कंप्यूटर साइंस सीरीज़ में पिछले 7 वीडियोस अपलोड कर चुके हैं, जिनमें कि आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग कंप्यूटर का आ गया होगा, जो कि मैंने हार्डवेयर सॉफ्टवेयर बताए, ऑपरेटिंग सिस्टम्स बताया, कुछ हार्डवेयर कंपोनेंट्स बताया जिसमें कि आपका प्रोसेसर हो गया, मेमोरी हो गई, जिसमें कि मेमोरी के भी हमने कई पार्ट्स किए थे, हार्ड डिस्क हो गया, रैम हो गया, आपका कैशे मेमोरी हो गया, SSD हो गया और भी कंपोनेंट्स। तो और जैसे कि हमने अपने पिछले वीडियोस में और भी आगे बढ़ते हुए प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, जिसमें कि लो लेवल पर लैंग्वेज जो कि आपका होता है मशीन लेवल लैंग्वेज, और हमने एक पिछले वीडियोस में भी चर्चा की थी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो कि हाई लेवल लैंग्वेजेस होती हैं। तो आइए दोस्तों, आज का ये वीडियो हम अपना कंप्यूटर साइंस पार्ट 8 लेकर आए, जिसमें कि आपको इंट्रोडक्शन कराएंगे एक नई टॉपिक के साथ। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा और आपको ज़रूर इसमें कुछ ना कुछ नया जानने को मिलेगा। और दोस्तों शुरू करते हैं। तो आज का जो टॉपिक हमारा ये आपका है कंप्यूटर नेटवर्क्स के ऊपर, कि व्हाट इज़ कंप्यूटर नेटवर्क, कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, कंप्यूटर नेटवर्क कैसे बनता है, कंप्यूटर नेटवर्क कितने तरह का होता है ना। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं अपने कंप्यूटर नेटवर्क से। तो कंप्यूटर नेटवर्क बेसिकली क्या होता है, देखिए, एक कंप्यूटर नेटवर्क इज़ अ डिजिटल टेली कम्युनिकेशन नेटवर्क फॉर शेयरिंग रिसोर्सेज बिटवीन नोड्स विच आर कंप्यूटिंग डिवाइसेज दैट यूज़ अ कॉमन टेली कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है बेसिकली, देखिए, जो कि डिजिटल कम्युनिकेशन कर सकता है, एक ऐसा नेटवर्क है ना। मतलब अगर मान लीजिए एक, जैसे आपका एक लैपटॉप है, ये एक फ़ोन से कम्युनिकेट कर रहा है, मतलब ये डेटा एक्सचेंज कर सकता है। मतलब इस फ़ोन से कोई फाइल आपकी इस लैपटॉप में जा सकती है, या फिर इस लैपटॉप की कोई फाइल इस फ़ोन पे जा सकती है, तो उसको हम कह देते हैं नेटवर्क, क्योंकि वो डिजिटली डेटा को क्या कर रहे हैं, आपका एक्सचेंज कर रहा है। मतलब यहाँ से आपका यहाँ भी जा रहा है और यहाँ से आपका यहाँ भी जा रहा है। अब जैसे देखिए, ये आपका हो गया जो हेडफोन है, हेडफोन अगर लैपटॉप से कनेक्टेड है तो ये भी आपका डेटा चेंज कर रहा है ना, जिसमें कि आपके साउंड सिग्नल्स आ रहे हैं। या आपका माउस हो गया, ये भी आपका डिजिटल सिग्नल्स शेयर कर रहा है लैपटॉप के साथ, तो ये भी एक नेटवर्क हो गया। तो अब देखिए दोस्तों, ये नोड क्या होता है। नोड हमारा, हमारे नेटवर्क में जितने भी आपके डिवाइसेस जुड़े होते हैं, उन सबको कहा जाता है नोड। जैसे कि देखिए, इस लैपटॉप से आपका ये लैपटॉप जुड़ा, तो आपका एक ये नोड हो गया, आपका एक ये नोड हो गया, आपका एक ये नोड हो गया सेंट्रल वाला, जिससे कि आपकी फाइल्स यहाँ वहाँ शेयर हो रही हैं। जैसे आपका प्रिंटर है, ये भी आपका एक नोड का ही एग्जाम्पल है ना। अब देखिए, इनको कम्युनिकेट करने के लिए किसी भी एक कॉमन टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ती है, जो कि आपका बेसिकली होता है प्रोटोकॉल, जो कि दोनों नोड्स जो कि आपस में कम्युनिकेट कर रहे होंगे वो यूज़ करेंगे डेटा को सेंड और रिसीव करने के लिए। वो होते हैं हमारी कॉमन टेली कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो आइए दोस्तों आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है आपका कम्युनिकेशन चैनल। तो देखिए, कम्युनिकेशन चैनल का मतलब है कि जो आपका कम्युनिकेशन होगा वो आप वायर के थ्रू कर रहे हैं, मतलब वायर्ड है आपका नेटवर्क या फिर वायरलेस है। बेसिकली आपके दो ही तरह के होते हैं, एक आपका होता है वायर्ड, जिसमें कि आप वायर्स का इस्तेमाल करते हैं अपने नेटवर्क को क्रिएट करने के लिए। जैसे ये देखिए, यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है, ये आपका यहाँ पे एक मॉडेम है जो कि आपका काम करती है इंटरनेट को, इंटरनेट से कनेक्ट करने का। और देखिए यहाँ पे लैन पोर्ट है, जिससे कि आप एक वायर के ज़रिए इस राउटर को कनेक्ट करेंगे, और राउटर से आप अपने कंप्यूटर्स पे, जो कि आपके अलग अलग कंप्यूटर से, आप वहाँ पे कनेक्शन ले सकते हैं। तो ये एग्जांपल है आपका वायर्ड कनेक्शन का, जहाँ पे कि आप वायर यूज़ कर रहे हैं कम्युनिकेशन करने के लिए, डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए। और ये देखिए, यहाँ पे आपका एक एग्जांपल है आपका वायरलेस नेटवर्क का, वायरलेस कम्युनिकेशन चैनल का, जहाँ पे देखिए आपका एक राउटर है, लेकिन यहाँ पे आपका जो लैपटॉप है, यहाँ पे आपका जो फ़ोन है, यहाँ पे आपका जो टैबलेट है, ये सारे आपके कनेक्ट हैं बिना वायर के। मतलब जैसे कि आपका एग्जांपल हो गया वाईफाई, वाईफाई कैसा कम्युनिकेशन चैनल है, आपका वायरलेस कम्युनिकेशन चैनल है, जिसमें कि आपको बिना किसी वायर के डेटा एक्सचेंज करने का या फिर फाइल एक्सचेंज करने का पूरा यूज़ मिलता है। आइए दोस्तों आगे चलते हैं। अब देखिए, टाइप्स ऑफ नेटवर्क कितने तरह के होते हैं। तो बेसिकली जो आपका ब्रॉडली डिफाइंड किया गया, क्लासीफाई किया गया है, वो आपका सबसे पहला होता है लैन, दैट इज़ लोकल एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट होता है आपका मैन, दैट इज़ मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। और नेक्स्ट आपका होता है वाइड एरिया नेटवर्क। तो इन तीन कैटेगरीज में वाइडली आपका टाइप्स नेटवर्क को क्लासीफाई किया गया है।
तो आइए दोस्तों आगे चलते हैं, देखते हैं इनको डिटेल में। तो देखिए लैन क्या होता है, लैन का जैसे कि आपका फुल फॉर्म है लोकल एरिया नेटवर्क, इज अ नेटवर्क दैट कनेक्ट्स कंप्यूटर्स एंड डिवाइसेज इन ए लिमिटेड जियोग्राफिकल एरिया। तो लैन अगर आप बेसिकली जानना चाहें तो जैसे मान लीजिए कोई कोई कंपनी है, कोई ऑफिस है, कोई कोई स्कूल हो गया, उसमें वहाँ पे जितने भी कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं उसको आप एक लोकल एरिया नेटवर्क मान सकते हैं, है ना। ये अपनी जियोग्राफिकल लिमिटेशन के कारण ही फिक्स डिसाइड होता है कि आपका लैन होगा कि मैन होगा कि वैन होगा, है ना। तो बेसिकली जो आइडेंटिफाई किया जाता है कि लैन है कि एक पर्टिकुलर एरिया नेटवर्क जो है वो आपका लोकल एरिया में आ रहा है या फिर मेट्रोपॉलिटन में आ रहा है या फिर वाइड में आ रहा है। तो लोकल एरिया नेटवर्क आप समझ गए होंगे, जैसे कि आपका कोई ऑफिस हो गया, कोई कैंपस हो गया, कोई आपकी यूनिवर्सिटी हो गई, या फिर आपका कोई होटल हो गया, या फिर आपका कोई रेस्टोरेंट हो गया, एंड एटसेट्रा एटसेट्रा। दोस्तों आगे चलते हैं, नेक्स्ट आपका नेक्स्ट आता है दोस्तों आपका मैन, जिसका फुल फॉर्म आपका मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क इज अ लार्ज कंप्यूटर नेटवर्क दैट यूजुअली स्पैन्स अ सिटी और लार्ज कैंपस। देखिए दोस्तों जैसा कि यहाँ पे आपको डायग्राम में दिखाया गया है, ये जो आपका मैन है इस पर क्या होता है, देखिए ये नेटवर्क एक जगह से आता है और वो सारी जगह डिस्ट्रीब्यूट होता है। जैसे आपका बेस स्टेशन है, बेस स्टेशन से सारे घरों में, सारे यूजर्स, सारे ऑफिस, सारी बिल्डिंग्स, सारे कैंपसेस और सारे स्कूल्स, सब जगह आपका जो नेटवर्क है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है। मतलब सारी जगहों से डेटा एक्सचेंज होता है, या तो वो वायर्ड होगा या तो वो आपका वायरलेस होगा, किसी भी टेक्नोलॉजी से आप मैन को कर सकते हैं। देखिए मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क का जियोग्राफिकल लिमिट है कि आप एक पर्टिकुलर सिटी या फिर पर्टिकुलर एरिया, सिटी का अगर काफ़ी बड़ा शहर है तो आप उसको मैन कंसिडर कर सकते हैं, वो कि आपका अगर मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क में, है ना। आइए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स आपका WAN, दैट इज़ वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क इज़ अ कंप्यूटर नेटवर्क दैट कवर्स अ लार्ज जियोग्राफिक एरिया सच एज अ सिटी, कंट्री और स्पैन्स इवन इंटर कॉन्टिनेंटल डिस्टेंसेज। तो जैसा कि आपको समझ में आ रहा है इसके फुल फॉर्म से ही, ये आपका वाइड एरिया नेटवर्क होता है जो कि कनेक्ट करता है या तो आपकी सेवरल सिटीज़ हो गई, या तो आपकी सेवरल कंट्रीज हो गई, या फिर आपके इंटर कॉन्टिनेंटल डिस्टेंसेस को भी ये कनेक्ट करता है। जैसे कि मान लीजिए अगर आपको अगर आप दिल्ली में हैं, अगर आपको मुंबई से कम्युनिकेट करना है तो उसके लिए आपको वैन वैन नेटवर्क का यूज़ करना पड़ेगा, मतलब वाइड एरिया नेटवर्क। या फिर अगर देखिए जैसे आप इंडिया में हैं, अगर आप लंदन कम्युनिकेट करना चाहते हैं या फिर अमेरिका कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो वहाँ पर आपको ज़रूरत पड़ेगी वाइड एरिया नेटवर्क की, है ना। और जैसे अगर अदर कॉन्टिनेंट्स में भी करना है तो आप वहाँ पे जैसे अफ्रीका हो गया, एशिया हो गया, यहाँ पे आपको ज़रूरत पड़ेगी आपके वाइड एरिया नेटवर्क की। जैसे कि देखिए यहाँ पे पिक्चर में दिखाया भी गया है कि अगर आपका ये जो वर्ल्ड वाइड एरिया नेटवर्क है, ये देखिए लंदन से भी कम्युनिकेट कर रहा है और आपका अमेरिका से भी कर रहा है और आपका इंडिया से भी कर रहा है। अगर मतलब अगर इंडिया जो आपका है वो उसको अगर अमेरिका से कम्युनिकेट करना है तो वो पहले डेटा इसको भेजेगा, फिर वहाँ यहाँ से डेटा आपका अमेरिका के पास जाएगा और फिर अमेरिका इसको रिटर्न करेगा, रिस्पॉन्स करेगा, जो कि वापस इंडिया के पास जाएगा। तो इस तरह से आपका वाइड एरिया नेटवर्क काम करता है। आइए दोस्तों आगे चलते हैं, अब देखिए दोस्तों आपका टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क को एक पिक्चर में देख लेते हैं कि देखिए ये स्टार्ट करते हैं पैन से। पैन मैंने डिस्कस नहीं किया, ये पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है। जैसे कि अगर आपने पर्सनली किसी चीज़ का नेटवर्क अपने कंप्यूटर से, कुछ प्रिंटर्स, कुछ कीबोर्ड्स और कुछ माउस वगैरह हो गए और भी पेरिफेरल्स हैं वो आपने जोड़े हुए, तो वो कहलाता है पर्सनल एरिया नेटवर्क। देखिए लोकल एरिया नेटवर्क क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क देखिए जैसे ये दो बिल्डिंग्स हैं, यहाँ पे एक नेटवर्क इस बिल्डिंग में सेटअप हो गया और एक नेटवर्क इस बिल्डिंग में सेटअप हो गया, तो उसको कहा जाता है लोकल एरिया नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क क्या होता है, जैसे देखिए ये पूरे सिटीज़ की कुछ बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, ये पूरे सिटीज़ की कुछ बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, तो इनको कम्युनिकेट करवाने के लिए आपका जो यूज़ होगा वो होगा मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। और अगर हम इन सबको कंबाइन कर दें और इनको हम नेटवर्क के थ्रू जोड़ना चाहें किसी एक एक्सटर्नल नेटवर्क से, तो वो हमारा कहलाता है वाइड एरिया नेटवर्क, है ना। तो दोस्तों हो सकता है, उम्मीद है आपको इस वीडियो में नेटवर्क्स के बारे में पता चला होगा,
आपको बेसिक नेटवर्क्स की डेफिनेशन पता चली होगी, नोड्स पता चले होंगे, को कम्युनिकेशन पता चल चैनल पता चले होंगे कि आपका वायर्ड क्या होता है, वायरलेस क्या होता है ना। तो आइए दोस्तों आज के क्वेश्चंस देखते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है आपका कि व्हाट टाइप ऑफ नेटवर्क इंटरनेट इज, मतलब जो इंटरनेट आपका नेटवर्क है वो आपको बताना है वो किस टाइप का नेटवर्क है। वो लैन में आता है, वो वैन में आता है, या फिर वो आपका मैन में आता है। और नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ केबल्स यूज इन कम्युनिकेशन चैनल। मतलब अगर आपका जो कनेक्शन है वो अगर वायर्ड है, मतलब आपने वायर के थ्रू कनेक्ट किया है, तो उसमें कितने तरह की केबल्स यूज़ होती हैं, ये आपको मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा और आपको कुछ ज़रूर जानने को मिला होगा नेटवर्क्स के बारे में। तो आज का दोस्तों वीडियो हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। तो शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, लोगों को बताएं, उनको जानने का मौका दें, अवेयर करें लोगों को जो लोग इसके बारे में बिल्कुल नहीं जानते। प्लीज़ शेयर करें और मिलते हैं दोस्तों फिर अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू, तब तक के लिए गुड बाय।